हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ये IMIM ने झारखंड में किया अपना पहला लिस्ट जारी, और लिस्ट जारी करते ही सबको चौंका दिया है। आखिर चौंकाने वाली बात क्या है, देखने के लिए बने रहें सच्चे साथ चैनल में। मैं गुलाम रब्बानी आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आपको बताता चलूं कि झारखंड में चुनाव की बिगुल बज चुकी है, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। इसी बीच राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में जुट गई है। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच ये IMIM के जो सदर हैं झारखंड से, हुब्बान मलिक साहब, उसने पहली लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसमें 3 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जमनी की जो तहजीब है उसको कायम रखते हुए हुब्बान मलिक साहब ने सबसे पहली लिस्ट में 2 हिंदू भाई को टिकट दिया है। आखिर वो हिंदू भाई है कौन, वो खुशनसीब है कौन, और किस जगह से, किस विधानसभा क्षेत्र से उसको टिकट मिला है, आप लोग देखने के लिए आगे रिपोर्ट को देखें। जी हाँ, अभी तक ये घोषणा नहीं हो पाई है कि कितना कैंडिडेट ये IMIM झारखंड से उतारेंगे। फिलहाल पहली लिस्ट जारी हो गई है, पहली लिस्ट में 3 कैंडिडेट है। देखें आप लोग रिपोर्ट में किस कैंडिडेट को कहाँ से टिकट मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करूँ पहले लिस्ट की, तो पहले लिस्ट में है पहला नाम अर्जुन टोप्पो का, जिसको कि लोहारदगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। नंबर 2 में है प्रदीप गंजहू, जिसको कि लातेहार विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। नंबर 3 में है अशरफी चंद्रावंशी, जिसको कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। तो ये पहली लिस्ट थी, पहली लिस्ट में 3 नाम घोषित हो चुका है, जिसमें से 2 दलित भाई को शामिल किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह से आप लोग बने रहे हमारे साथ, फिर आप लोगों को नेक्स्ट लिस्ट जारी होते ही आप लोगों को ज़रूर हम सुनाएंगे। जी हाँ, कि कितने कैंडिडेट का नाम घोषित किया जाता है दूसरी लिस्ट में और किस किस का नाम होता है। जी हाँ, तो साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में राय जरूर दें, खबर को लाइक भी कर दें और